खामोशियां बेचैनियां ना दानियां। भाई 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 कहाँ हो भाई? अरे क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं पूछ रही हूँ, गला क्यों फाड़ रहे थे तुम? गला कहाँ फाड़ा भाभी, देखो ना एकदम फिट है। मैं ना एक दूंगी तुम्हें। भाभी ये बैग का मैं क्या करूंगा, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। अरे मैं पूछ रही हूँ कि तुम नंदू को आवाज क्यों लगा रहे थे? अरे भाभी मैं सुबह से बोर हो रहा था। क्यों? नंदू मुजरा करके तुम्हें एंटरटेन करने वाला था? वैसे आइडिया तो अच्छा है लेकिन फिलहाल हम दोनों साथ में लूडो खेल लेते हैं। वाह, सुबह सुबह दोनों ने ठल्ले लूडो खेलेंगे। हाँ भाभी, और ये प्लान तो हमारा आपके बोलने से पहले डिसाइड हो गया था। तुम ना, मैं जा रही हूँ। अरे सॉरी भाभी, लगता है आप बुरा मान गई। डोंट वरी भाभी, आप चाहे तो आप भी हमारे साथ लूडो खेल सकती हैं। इसी बात पे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे तो ऑफिस जाना है, पैसे कमाना है, तुम दो निठल्लों को बैठ के खिलाना है, टाइम पास करना है तुम लोगों को बस। हाँ भाभी ये तो हमें पता है, आप जाइए ना ऑफिस, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा भाभी नाश्ता तो दे दो। नाश्ता खाना सब कुछ अब नंदू से मांगो तुम। भाई ने रेस्टोरेंट खोल लिया है, देव को बनाने का बिजनेस खोल लिया है, सुबह से भेजा सब्जी लाने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गया महाराज। आपने सब्जी लाने भाई को भेजा तो महाराज कहाँ से आएगा? अरे मैं नंदू को कह रही हूँ। अच्छा लगता है भाई मार्केट से नहीं खेतों से सब्जी लेने गए हैं। तुम निठल्ले कामचोर आलसी छिछोरे यूजलेस, बस टाइम पास करना आता है तुम लोगों को। थैंक यू भाभी, काफी दिन से इतनी तगड़ी बेइज्जती नहीं हुई थी। अरे पप्पू कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम समाज सेवा ही कर लो, जैसे रावी कर रही है। क्यों, उसने क्या किया? अरे पंजाब में बहुत ठंड पड़ती है इसलिए रावी सब लोगों के लिए गर्म कपड़े इकट्ठे कर रही है, कुछ सीखो उससे। ठीक है भाभी, मैंने भी डिसाइड कर लिया है, आज से मैं भी गरीबों के लिए कुछ करूंगा। मैं अपने सारे पुराने कपड़े भाई को दे दूंगा। छोड़ो यार। अरे यार ये भाई की वजह से हमेशा मुझे ही डांट पड़ती है, कैसे नकारा भाई है। भगवान अंकल पकाओ। अरे भाई ना तो यहाँ कोई चूल्हा है ना बर्तन, कैसे पकाऊं? अरे भगवान अंकल आपको चूल्हे और बर्तन की कब से जरूरत पड़ने लगी, आपका तो नेचुरल टैलेंट है बिना इन सब चीजों का पकाने का। अच्छा अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं ट्राई करता हूँ। बताओ क्या पकाऊं, लौकी परवल या गोभी? दिमाग, लेकिन दिमाग तो नहीं लाया मैं खरीद के, मेरे पास है ना, ला लो पका देता हूँ। बस भगवान अंकल बस ऐसे ही पकाते रहो, थोड़ी देर में जब पूरा पक जाएगा ना नमक मिर्च डाल के खा सकते हो। अरे वाह, कितना टाइम लगेगा पकने में? कसम से भगवान अंकल पहली बार आप पका रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अरे थैंक यू अंकल, वरना मैं कितना बोर हो जाता। क्यों, तुम्हारा निठल्ला भाई नंदू आज नहीं है तुम्हारा टाइम पास करने के लिए, बोर क्यों हो रहे थे तुम? वही तो भगवान अंकल, भाई सुबह से सब्जी लेने गया हूँ अभी तक वापस ही नहीं आया। कहीं दूसरा चक्कर तो नहीं? दूसरा चक्कर हो सकता है भगवान अंकल, भाई भरोसे के काबिल नहीं है। ये भी हो सकता है उसने भाग के दूसरी शादी कर ली हो। अरे कहाँ भगवान अंकल, भाई बेवकूफ जरूर है लेकिन भाई में इतनी हिम्मत नहीं है। भाभी की मार याद आते ही ना दूसरी शादी की तो छोड़ो किसी दूसरे की शादी की भी नहीं सोचेगा। तो फिर वो आया क्यों नहीं अभी तक? यही समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा यार, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अरे भगवान अंकल ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया। हो सकता है उसने खुदकुशी कर ली हो। अरे ढोलक अंकल आपको पकाने के लिए बोला था, सताने के लिए नहीं। अरे भाई हो सकता है उसे उसकी जिंदगी सता रही हो इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। अरे ढोलक अंकल भाई तो इतना आलसी है कि मच्छर भी नहीं मार सकता, खुद को क्या मारेगा। तो हो सकता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। अरे भगवान अंकल भाई के पास एक रुपल्ली नहीं है, एक नंबर का कंगला है भाई, दूसरा किसी काम के लायक नहीं है, और सबसे बड़ी बात भाई को खिलाने और सुलाने के लिए कौन किडनैप करेगा। हो सकता है किडनैपर ने उसकी किडनी निकालने के लिए किडनैप किया हो। नहीं ये नहीं हो सकता। हेलो बोलो। बोला तो हेलो। आगे बोलो। आगे 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 क्या है? अरे भाभी आपके आगे क्या है मुझे कैसे पता होगा? तो फिर आगे क्यों बोला? आपने बोला ना आगे बोलो। और फोन कैसे किया? फोन कैसे किया भाभी, नंबर डायल किया, कर दिया, बहुत आसान है। पप्पू बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू बकवास, भाभी को कैसे पता चला कि मैं भाई के बारे में बात करने वाला हूँ? अब क्या है? भाभी आपको कैसे पता चला कि मैं भाई के बारे में बात करने वाला हूँ?
अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम नंदू के बारे में फोन कर रहे हो? भाभी झूठ मत बोलो, आप ही ने तो कहा फालतू बकवास मत करो, और भाई से ज्यादा फालतू चीज और क्या हो सकती है? तुम हो। अब बकवास बंद करो और बताओ नंदू के बारे में क्या बोलना है, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। भाभी भाई ना अभी तक घर वापस नहीं आया। व्हाट? हाँ भाई ना अभी तक घर वापस नहीं आया। चुप कर बे। अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो, सुन लिया मैंने, ये नंदू अभी तक आया क्यों नहीं? अभी वो तो भाई से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, पर ये नंदू कहाँ गया होगा? भाभी उनको आने दो ना, पूछ के बता दूंगा। अरे जब आ जाएगा तो जान के क्या करेंगे? मैं ये पूछूं कि अभी कहाँ गया होगा नंदू? भाभी वैसे लोग तो कह रहे हैं कि भाई ने शायद दूसरी शादी कर लिया भाग के। क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, पिछली मार वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। मैंने भी लोगों को यही कहा। बॉस ने अर्जेंट मांगा है, जान ले लो मेरी। नहीं वो तो नहीं मांगा। अरे कि नेपालियों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अरे मैडम मैं तो आपका गांव वाला हूँ। क्या तुम बिहार के हो? कभी बताया ही नहीं हो। पहचाना नहीं आपने? नहीं। सामने वाले घर का? देखो सर पे मत खड़े रहो, भिजवा दूंगी, भिजवाती हूँ, जाओ। कप्पे मारने आ जाते हैं। लगता है भाई भाभी के पास है। हाँ पप्पू बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ भाभी, भाभी जल्दी से भिजवा दो, बहुत भूख लगी है भाभी। क्या भिजवा दूँ? अरे जो आप भिजवाने वाली थी। क्या तुम फाइल खाओगे? हैं? फाइल क्यों खाऊंगा भाभी? तो फिर कहाँ क्यों भिजवा दो? अरे मैं फाइल नहीं, मैं भाई को भेजने की बात कर रहा हूँ। अरे पप्पू नंदू मेरे पास नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे सर पे चढ़ के मत बैठो और मैं भिजवाती हूँ? अरे वो तो मैंने प्यून से कहा। यू इडियट, कहाँ गया होगा नंदू? यही मटर गस्ती आवारा गति कर रहा होगा। भाभी मुझे लगता है भाई को किडनैप कर लिया किसी ने। पप्पू मेरी इतनी अच्छी किस्मत का कहा ना, यही होगा, आवारा कुत्तों की तरह घर ही आएगा वापस। पप्पू तुम फोन रखो, मुझे बहुत काम है। खामोशियां बेचैनियां।